क्या रविचंद्रन अश्विन को भारत की वनडे विश्व कप की टीम में जगह मिलेगी? उनको चोटिल ऑलराउंडर अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है और इसी वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया था। अश्विन ने इस सीरीज के पहले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इससे इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि उनको वर्ल्ड कप 2023 के लिए मुख्य टीम में प्रवेश मिलेगा। टीम मैनेजमेंट अक्षर पटेल को फिर देखना चाहती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरन फिंच का कहना है कि वे फाइनल 15 में नहीं होंगे, लेकिन टीम के मेंटोर हो सकते हैं। यदि अक्षर पटेल विश्व कप से पहले अपनी मैच फिटनेस साबित करने में असमर्थ रहते हैं तो अश्विन टीम में जगह बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि फिंच का मानना है कि अश्विन को विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह मिलना मुश्किल होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में होने वाले तीसरे वनडे मैच से पहले स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए फिंच ने इनफॉर्म अश्विन के खिलाफ एक साहसिक बयान जारी किया और कहा कि वे इस मेगा इवेंट में मेंटोर हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह अंतिम 15 में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इतना क्रिकेट खेला है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मौजूदा सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ मौजूद बाकी खिलाड़ी बड़े गेम प्ले के बारे में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अश्विन ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वह टेस्ट मैच हो या T20 मैच। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा किया है, इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वह इस समय समूह का एक मेंटर के रूप में मौजूद हो, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उन्हें अंतिम 15 में जगह बनाते नहीं देख रहा हूं।